नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में खाने का महत्व क्या है, क्यों आयुर्वेद में इसको कुक्ड फूड की डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है। आहार, खाना, फूड, मील, भोजन एक स्वस्थ शरीर का आहार है। आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप सड़ा हुआ खाना खाएंगे, मरा हुआ खाना खाएंगे, एक नॉन हीलिंग फूड खाएंगे और उसके साथ साथ आप एक बीमारी के साथ पीड़ित भी हैं, और फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं, कैसे आशा रख सकते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अगर हमने एक पौधे को बड़ा करना है तो हम उसको पानी ही देंगे, वो पानी से, मिट्टी से, खाद से ही बड़ा होगा। अगर पानी की जगह हम उसको कोल्ड ड्रिंक्स देंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा, कुछ दिनों में मर जाएगा। तो आयुर्वेद में खाने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अच्छे आहार के आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा और बीमारियों का घर बन जाएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद गठिये में भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। सिर्फ गठिया दवाइयों के साथ ठीक नहीं होता है, परहेज या एक राइट न्यूट्रिशियस डाइट जो है इस बीमारी के अंतर्गत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो डाइट आयुर्वेद में बताई गई है वो आजकल की कैलोरीज के हिसाब से डाइट नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद जो है हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का विश्लेषण पूरी तरह से करता है। क्योंकि हर एक अनाज का, हर फ्रूट का, वेजिटेबल का, सीड्स का, नट्स का एक अपना एक उपयोगिता होती है, उनका अपना एक सेट नेचर होता है। उस नेचर के अंतर्गत ही वो फूड जो है आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। अब सच एज मैं बता दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि तरबूज जो है, कहने को एक फ्रूट है, लेकिन गठिये वाले पेशेंट जब भी इसको खाएंगे तो उनको दर्दें होंगी और उनका शरीर जुड़ जाएगा। तो हम इसको कैलोरी के हिसाब से इसका मापदंड नहीं ले सकते, क्योंकि कैलोरीज में ये बहुत कम रहेगा। लेकिन आयुर्वेद में इसकी तासीर जो है वो बिल्कुल ठंडी है, और गठिये वाले पेशेंट्स के लिए ठंडा भोजन जो है वो पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। सो आयुर्वेद में खाने का बहुत महत्व है। ये वीडियो जो है इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है कि ऐसा क्या आहार आप लें जिसके साथ आपका पूरी तरह से शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। जितने भी मरीज या जितने भी पेशेंट्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिये के साथ पीड़ित हैं, उन लोगों को खाना जो है दिन में एक या दो बार खाना चाहिए। इससे ज़्यादा खाना उनके लिए खाना सेहतमंद नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, ये जो बीमारी है कुक्ड फूड की बीमारी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में पका हुआ खाना लेने के कारण ही ये बीमारी जो है बढ़ना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी हंगर पर कंट्रोल करना होगा कि आप अनाज जो है दिन में एक बार या सिर्फ दो बार खाएं। अगर आप नहीं रह सकते तो दो बार, इससे ज़्यादा जो है वो खाना आप लोगों के इस बीमारी में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो अब क्या खाना चाहिए, ऐसे खाने के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो पांच ऐसे खाने जो आपके शरीर में हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे खाने में आ जाता है, अगर हम अनाज की बात करें तो गेहूं के अलावा आप बाजरा ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं, कोदरा ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, रेड राइस ले सकते हैं, ब्लैक राइस ले सकते हैं। खिचड़ी की फॉर्म में आप चावल बना के, चावल को खिचड़ी की फॉर्म में ले सकते हैं, देसी घी का तड़का लगा के, और दाल की जगह उसमें सिर्फ सब्जियाँ डालिए। और ये जितने भी मैंने आपको आटे बताए हैं ये बहुत मिनिमम फॉर्म में लेने हैं, रोटी कम खानी है, सब्जी ज़्यादा खानी है। और ये जितने भी आटे हैं आप इसमें थोड़ा सा देसी गाय का घी मिक्स कर सकते हैं, सो दैट इनके बीच का जो रूखापन होता है वो दूर हो सके। और इन आटों में फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरी तरह से क्लीन करने का सामर्थ्य रखता है। इससे आपका पेट भी पूरी तरह से भर जाएगा और इसमें हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पूरी तरह से मौजूद होते हैं।
हैं, क्योंकि ये अनाज किसी भी तरह से रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड में नहीं आते। नेचुरल या ऑर्गेनिक आप अनाज लेना शुरू कीजिए, आपका शरीर अंदर से हील करना शुरू कर देगा, लेकिन अनाज कम खाने हैं, उनकी क्वांटिटी कम रखनी है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें जो खाना है जो आपको सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, अभी हम बात करेंगे उस पर, तो वो है घी या तेल। ये जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड हो तो सबसे अच्छा है। गठिए के पेशेंट के लिए सबसे उत्तम कैटेगरी का जो तेल माना गया है वो है तिल का तेल। आप अपना खाना तिल के तेल में पकाइए, वो आपके शरीर में बात को भी पूरी तरह से बैलेंस में करेगा, एग्रावेटेड फॉर्म में जितना बात है उसको पूरी तरह से बॉडी से एलिमिनेट करेगा, और आपके शरीर को जितनी चिकनाहट चाहिए उस लेवल पे आपके शरीर को चिकनाहट भी देगा और गर्माइश भी देगा, जितनी बॉडी को नेचुरल हीट की ज़रूरत है उसको पूरी तरह से बैलेंस करेगा। दूसरे नंबर पर ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑयल है फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी का तेल। ये आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से वार्म रखेगा और आपके बॉडी में जितनी ऑयलेशन चाहिए उस ऑयलेशन को बरकरार रखते हुए बॉडी के अंदर आम जिसको कह देते हैं टॉक्सिक मटेरियल जिसको हम कह देते हैं उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ये ऑयल आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद की मैं बात करूँ तो सरसों का तेल आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी मात्रा में आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, वो थोड़ी मात्रा में लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन ऑयल होता है, वो आपको आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं लेकिन उसका उपयोग कुकिंग में नहीं करना है आपने, आप ऊपर से उसको ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, या आप वैसे ही एक दो चम्मच उसको वैसे ही रॉ खाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो ऑयल है इसको कुकिंग में आप यूज़ मत कीजिए। इसके बाद सबसे अच्छा जो घी की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, देसी गाय का घी जो है इस बीमारी को ठीक करने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। गाय का घी आप सब्जियाँ बनाने में यूज़ कीजिए, या आप कोई भी रोटी ले रहे हैं या अनाज ले रहे हैं, आप आटा गूंथते टाइम पे भी उसका गाय का घी एक या दो चम्मच उसमें आटे में डाल के उसको गूंथ सकते हो, या जब आपकी रोटी बन जाती है तो गाय का घी उसमें आप ऊपर से लगा सकते हो। और गाय का घी जो है आप गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट भी दो चम्मच ले सकते हो, आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला सकते हो। गाय का घी ऐसे पेशेंट्स को लेना इसलिए एडवाइज किया जाता है क्योंकि गाय का घी बहुत ही सुपाच्य होता है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये जो घी है ये हर उम्र के लोग इसको आसानी से पचा सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात नाशक औषधि जो है पूरे धरती के ऊपर विद्यमान है जिसमें बात को पूरी तरह से ख़त्म करने की क्षमता रहती है, और ये हमारी धातुओं का संपूर्णतया पोषण करती है, क्योंकि जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन लोगों की हड्डियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, उनके मसल्स भी ख़राब हो जाते हैं, उनके टिश्यूज़ भी ख़राब हो जाते हैं, सेलुलर लेवल तक डैमेजेस जो हैं इस बीमारी में पाए जाते हैं, तो उनको पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए देसी गाय का घी का उपयोग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे तीसरे नंबर की कैटेगरी पे कि ऐसा हमें क्या खाना लेना चाहिए जो हमारी बॉडी में हीलिंग बढ़ाएगा। बिना भूख के आप बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको भूख है सिर्फ तभी आपने खाने का उपयोग करना है, बिना भूख के आप कोई भी खाना उपयोग ना कीजिए। तीसरे नंबर की कैटेगरी है वार्म सूप्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जिस भी मात्रा में अवेलेबल हैं कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप टमाटर, घिया, टिंडा, तोरी या कोई भी वेजिटेबल जो मार्केट में आपको आपके रीजन के हिसाब से आपके क्षेत्र के हिसाब से फ्रेश मिल जाती है, आप वो सब्जी लेके उसका सूप बनाइए और खुद बनाइए। मार्केट के बने हुए सूप्स नहीं लेने हैं, नहीं तो आपकी बीमारी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। अगर आप नेचुरल सब्जियां लेके उसका सिंपल सूप बनाएंगे, जस्ट सिंपली उसको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लीजिए, अगर बिना प्रेशर कुकर की सहायता से बॉयल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। उसको बॉयल कीजिए और उसमें सिर्फ आप एक चम्मच गाय का घी डालिए और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च या अदरक या सौंठ पाउडर, कुछ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। गरम सूप लेना है आपने, ये आपकी बॉडी को इंटरनली हील करेगा, फाइबर का कंटेंट इसमें बहुत अच्छा होगा और वार्म नेचर की वजह से आपके शरीर के दर्दों को भी पूरी तरह से ठीक करेगा।
इसके बाद हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में ऐसा क्या आहार है कि आप अगर उसको लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो इंटरनली हील होना शुरू होगी। वैसे आयुर्वेद इस चीज़ का अपोज करता है, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। उसको हम कह देते हैं स्प्राउट्स, लेकिन स्प्राउट्स किस चीज़ के लेने हैं वो मैं आपको आज स्पेशली बताऊंगी। आप लोगों ने दालों के स्प्राउट्स नहीं लेने हैं, आप लोगों ने स्प्राउट्स में यूज़ करना है, आप मेथी के स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर आप अल्फा सीड्स के स्प्राउट्स ले सकते हैं, या गाजर के बीज होते हैं उसके अंकुरित करके आप स्प्राउट्स बना लीजिए, या मूली के बीज होते हैं उसके अंकुरित करके स्प्राउट्स बना लीजिए, प्याज के बीज होते हैं उसके अंकुरित करके स्प्राउट्स बना लीजिए। दालों को छोड़ के जितनी भी सब्जियों के बीज हैं उनके स्प्राउट्स जो हैं वो आपने बनाना शुरू करने हैं। स्प्राउट्स जब बन के अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 इंच के बीच में बड़े हो जाएं तो उस टाइम पे आप उनको अपने खाने में यूज़ कीजिए। ये ऐसा खाना है जो आपके शरीर में पूरी तरह से विटामिंस, मिनरल्स, जिस भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से बॉडी को इंटरनली फिल कर देगा और आपके शरीर में बहुत ही अच्छे लेवल पे ऊर्जा का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। अब मैं पांचवें स्थान पे बात करूंगी कि ऐसा क्या खाना है जो आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से पोषण देगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सारे दिन की दिनचर्या में लगभग 40-30% जो हैं फ्रूट्स लेना शुरू कीजिए। गठिए वाले पेशेंट आम तौर पे सारी ही तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन जो आपको फ्रूट नेचर में ठंडे लगते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं तरबूज या फिर गन्ने का रस, ये दो चीज़ें आपने पूरी तरह से अवॉइड करनी है, क्योंकि ये चीज़ ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, इसके साथ दर्दें बढ़ेंगी। बाकी जितनी भी तरह के फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एप्पल है या फिर अंगूर हैं या कोई भी एक्स वाई जेड पपाया है, कोई भी चीज़ है, आप हर तरह के फ्रूट्स, ये दो फ्रूट्स को छोड़ कर ले सकते हैं। फ्रूट्स में कम्प्लीटली बॉडी के लिए ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीट मात्रा में अवेलेबल रहता है, उसके कारण आपको कोई भी वीकनेस नहीं रहती, आपके शुगर लेवल डाउन नहीं जाएंगे, आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलेगी। और फ्रूट्स जो हैं वो धरती में ऐसा आहार हैं जो आपको आधे घंटे से लेके 2 घंटे के बीच बीच में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको एनर्जी भी मिलती है, न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, मल्टी विटामिंस भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं और आपको एनर्जी का भरपूर स्रोत मिलता है। आपकी बॉडी धीरे धीरे अंदर से ठीक होना शुरू होती है, हील होना शुरू होती है। सो मैंने 5 कैटेगरीज आपको आज बताई हैं। ये 5 कैटेगरी के जो आहार हैं वो आपके शरीर को पूरी तरह से हील करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आप नट्स का उपयोग कर सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। सारी तरह के नट्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसको रात भर 12 घंटे पानी में, ताजे पानी में भिगो के रखना है। भिगोने के बाद अगले दिन आप कभी भी उन नट्स का सेवन कर सकते हैं, उसमें हर तरह के नट्स आ जाएंगे, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, जो भी पिस्ता, आपको जो भी आपके एरिया के हिसाब से नट्स अवेलेबिलिटी रहती है आप वो लेना शुरू कीजिए। सो आई होप मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो गठिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप लोगों की ये जो बीमारी है वो पूरी तरह से जल्द ठीक हो जाए। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए या आप किसी और तरह की वीडियोस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। मैंने आपको जो भी इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा खाना है जो आपको गठिए में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अवॉइड करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी तरह से जानकारी अवेलेबल होगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो एंड यू विल शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।